ऐसा नोटिस रहेगा कि भाई राजा व्लॉग इतना झूठ क्यों बोलता है अपने वीडियो में, इतना क्लिकबेट क्यों मारता है। तो उसका रीजन सिर्फ बस इतना है, ये शर्ट इस पे अच्छा नहीं लग रहा ना पूनम। मतलब आप अच्छा लगेगा? हाँ 100% पूनम का दहेज के लिए दादी तो ऐसे ही रख ले, है ना दादी। तो हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, क्या हालचाल। माफी चाहूंगा, 2 दिन मैं वीडियो नहीं डाला था, इसलिए कुछ रीजन की वजह से मैं एक्चुअली पटना गया था, तो वहां से जस्ट घर पे आया हूँ। पटना जिस काम से गया था वो काम हुआ नहीं, तो इसलिए वीडियो ही नहीं डाला भाई। बट कोई नहीं गाइस, अभी फिलहाल मैं चल रहा हूँ मार्केट, वो भी पता है क्यों, मैं अपने लिए फिलहाल तो कुछ खरीद नहीं रहा हूँ, बट हमारे घर में जो है अभी कुछ दिन के लिए उसके लिए खरीद लेता हूँ। आज छठ पूजा का नहाए खाए बोल सकते हैं, पहला दिन शुरुआत का। कल लोहंडा, परसों छुटकी अरक, तरसों परना, तो बोल सकते हैं मेला घूमने उमने का है। तो हमारी प्यारी बहना इधर है, उसका फरमाइश है कि चप्पल तो बहुत पहने लेकिन इस बार पहनना जूती। तो फिलहाल उसके लिए जा रहे हैं लाने, क्या करें भाई होने के नाते डिमांड तो पूरा करना पड़ेगा ना। आप लोग को पता ही है कि कुछ दिन का मेहमान है, अब नजर नहीं आएगी, है ना पूनम। बेचारी सर्व आ रही है, कोई नहीं गाइज, इसके अंदर दिमाग थोड़ा कम है, मजाक कर रहा हूँ, है ना पूनम। दिमाग तो है ही, भगवान दिमाग भरपूर दिए हैं, लेकिन इस्तेमाल करना ही नहीं इसको नहीं आता। पूनम ना कपड़ा वहाँ पसा रही है और उसमें पैसा था, उसमें फींच दिए और उसमें चेक नहीं किया। आप चेक करिए कि उसमें पैसा है या नहीं, निकला कि नहीं है अभी, पता नहीं इसका ये हरकत कब सुधरेगा। मिला कि ना, नहीं ना, ए भगवान थोड़ा सा बुद्धि दे दे इसे। 2-3 डायलॉग है ना जो हर बहन को फेवरेट होता है, शायद मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पता नहीं औरों का, बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पूनम का फेवरेट है। कोई सामान पूछूंगा पूनम कहाँ पे, हमको क्या पता। हाँ तो सब कर्मा तुम्हारा है कि ना, ये देखो। और बाकी अभी फिलहाल गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो गई, काफी दिन से धुली नहीं है, ये भी कहेगी भाई कब तक रपेटेगा भाई इतने गंदी हालात करके। तो सोच रहा हूँ अगर टाइम बचे तो इसे धुलवा भी लूंगा। पूनम को बोले कि पूनम गाड़ी धो देती है, लेकिन नहीं भाई हमारा भी काम कर दिया करो। काफी सारे लोग बोलेंगे बाल अच्छा नहीं लग रहा है, कटवा लो आप। देखो कोई चीज को ना देखते देखते आदत सा हो गया, तो मेरे को रखते रखते ना आदत सा हो गया, अच्छा लगे या ना लगे बस है तो है, और क्या। मैं सोच रहा हूँ कटवाने का, अभी कुछ दिन में शादी वादी है पड़ोस में, तो रात रात जाने के लिए थोड़ा मस्त बन ठन कर जाऊंगा, तो कटवा लूंगा। बांधो भैंस के बच्चा को, बांध दी कि ना, बांध दो फिर आने उने में लेट हो जाएगा, बाकी दादी तो है। देखो भाई एक छोटा सा खेत है, मुश्किल से 1 कट्ठा होगा, ठीक है। इसमें मम्मी क्या क्या रोपी है पहले दिखाते हैं, ये देखो। पहले तो ये प्याज रोप दी है, यहाँ से यहाँ तक में पूरा प्याज रोपा हुआ है वो रहा मैं। और इधर देखो मकई रोप दी है, उधर था पता है लहसुन था, तो ये 3 चीज। इधर धनिया रोपल है, ये देखो है ना धनिया का पत्ता ये। और इधर दिखाते हैं आपको, मतलब इतनी छोटी सी खेत में पता ना क्या क्या मतलब भर रखे रोप के, ये देखो। इधर देखा तो ये साग भी है, मकई तो है, ये है ये पता बोड़ा कोची रोपी है, बोड़ा उड़ा है का। इधर साथ कद्दू भी है, अंदर देखेंगे तो उधर भी साग है, उधर पालक है, उधर बैगन है, उधर मिर्च भी है, आधा टमाटर भी, टमाटर भरा हुआ है भाई। ऑल ओवर बताए हैं तो पूरा भर रखे है भाई, एक छोटा सा खेत में मुश्किल से 1 कट्ठा होगा, 1 कट्ठा में कम से कम 10-15 आइटम रोप रखी है, ये होता है फार्मिंग। क्या दादी, है ना दादी, बकरी चर भाई कुछ। हाँ 2 बकरी रख रही है और 5 गो है बताओ, 5 बकरी के बेचेगी तो 25,000 का संपत्ति रख ले है। पूनम के दहेज के लिए दादी तो ऐसे ही रख ले, है ना दादी। कौन आ रही है, फाइन हो गया पूनम की, मिलो रहते। अरे बाप रे इतना प्यार, अरे रे 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 रे, अरे बाप रे। अब तो पूनम दीदी जाए 2 महीने के बाद, शादी करोगे, शादी करोगे कि नहीं। अच्छा हमरा लगे फूटी, पूनम को ना देना, पूनम को ना देना, मुंह से निकाल के दिखा रही है। एक भाई साहब तो अलग ही ले आया है भाई, ये तो छठ के लिए हैं, ये कुछ ये जींस, ये भैया लड़की वाला जींस है तो लड़की वाला, लेकिन अब एक बेनिफिट है पता है क्या, मिला है हम भी पहन सकते हैं वैसे। हाँ दोनों संतोष तो खरीद लिया, अब तुम्हारा क्या बारी है, क्या खरीदना है तुमको, हम भी चले जूती।
बोलने का भी अलग ही अंदाज है। बढ़िया कटाएंगे, कल पक्का कटा लेंगे। कुछ कटे हैं ना, और ये शर्ट इस पे अच्छा नहीं लग रहा ना पूनम। मतलब आपका अच्छा लगेगा। हाँ, ये तो 100% है ना, विश्वास होता है। पहन के दिखाते हैं, फिटिंग कराना जरूरी है। आप बताओ किस पे अच्छा लग रहा है। अच्छा लगेगा वो पहनेगा, वो किस पे अच्छा लग रहा संतोष? हम पे। गाइस आप लोग कमेंट में बताओ हम पे अच्छा लग रहा है या किस या संतोष पे। अरे किरा पे अच्छा लग रहा है, हमारा पे संतोष पे। सही है संतोष, आप बाजार घूम के आते हैं ना? ना ना, ले गंदा हो जाएगा एक दिन में, गंदा फीचे में नहीं करेगा। फिचाएगा तो पुराना हो जाएगा बड़का। देखो बड़े दिन हम कपड़ा खरीदे, संतोष हमारा पहना, अब बारी है संतोष खरीदेगा, अब हम पहनेंगे मस्त। कर रहे हैं, हमारा तो पहले ही ना था। नया लाया हां, और पहले वाला के दिमाग रह जाए। ला ला ला, अच्छा भाई नाराज काहे कर रहे हैं, खोल देते खोल देते हैं। नया नया था, हम लिए था, हम स्टार्ट ना करेंगे। हां वो तो है ये। चलो गाइस अभी पूनम को लेके हम लोग अभी निकलते हैं आगे, क्यों जो उसको लाना है। आ गया हूं मार्केट, मेरा डाटा केबल हमेशा खराब हो रहा, पता नहीं क्यों यार। मैं लेता हूं डाटा केबल खराब ही हो जाता, फिर से जा रहा हूं वापस करवाना। अब वापस नहीं करवाऊंगा, अब डायरेक्ट ओरिजिनल खरीदूंगा नया। इतना लाइट वाला डाटा केबल रहता है, सब के सब खराब रहते हैं। फिलहाल गाइस अभी हम आ गए पूनम के लिए जूती लेने। पिंक में आया था, देखो देख लो जो पसंद है वो। तो भाई लड़कियों का सामान खरीदना बड़ा मुश्किल टास्क है मेरे लिए। फाइनली 4-5 रंग देख के पूनम को ये वाला जूती पसंद आया। फाइनली इसका काम तो हो गया भाई, अच्छा लगा ना। कुछ नहीं, अब चलते। एक डाटा केबल हमको लेना था, जो वापस करने के लिए हम दिया ना वही रिसीव करना है। केबल हमको अब ओरिजिनल ही मंगाना पड़ेगा, अभी तो रिप्लेस करने के लिए दिया, टाइम लग रहा है उसका। फिलहाल गाइस सारा सामान लेके मैं आ चुका अभी घर में। मैं अपने लिए लाया हूँ अंगूर, जो शायद मीठा नहीं हो सकता है। अंगूर वहाँ पे चेक किया तो मीठा था, यहाँ लाया तो हल्का खट्टा लग रहा है। अब चेक करने पर तो एक ही अंगूर चेक कर सकते हैं। गौचा में ढेर सारा अंगूर है, ऊपर से मीठा अंदर से खट्टा। ये कौन सा अंगूर है भाई? ये कहाँ से लाई मम्मी? भुट्टा। इधर में भुट्टा कहाँ से मिल गया? सुबह सुबह आप लोगों को दिखाते हैं कि पता है एक खेत में कितना चीज रोपी है, कम से कम 10-12 चीज। प्याज है, हाँ, लहसुन है, साग है, भुट्टा है, सब कुछ है कि खेत में। जो लोग भी देख रहे हो, जिनके यहाँ नहीं है आ जाओ हमारे यहाँ खा लो भुट्टा गरम गरम। भाई आप लोग ना कमेंट में परेशान कर दियो एक चीज पूछ के कि भाई राजा व्लॉग इतना अपने वीडियो में झूठ क्यों बोलता है। वैसे तो ये सब चीजें नहीं बताना चाहिए किसी भी यूट्यूबर के बारे में या किसी यूट्यूबर को, ये सब सारी चीजें ना सीक्रेट होता है, और मैं चाहता भी नहीं था बनाने के लिए, लेकिन आप लोग इतना कमेंट किया हो ना कि हर फर के मुझे ना बनाना ही पड़ा। आप लोग कुछ और भी कमेंट कर सकते हो, बट सही में यार चेक करना आप लोग कि भाई राजा व्लॉग इतना झूठ क्यों बोलता है अपने वीडियो में। एक कमेंट हमेशा नोटिस, इतना क्लिकबेट क्यों मारता है? तो उसका रीजन सिर्फ बस इतना है कि आप लोग वही देखना पसंद करते हो, वही झूठ देखना पसंद करते हो, वही क्लिकबेट देखना पसंद करते हो, इस वजह से वो बंदा झूठ और क्लिकबेट दिखाता है। देखो अगर वो नॉर्मल तरीका से वीडियो डालता तो शायद आप लोग देखते ही नहीं, ये बात सही है। तो इसीलिए हर यूट्यूबर या वो भी क्लिकबेट मारता है और वीडियो में झूठ बोलता है, लेकिन वो हद पार कर जाता है अलग बात है। लेकिन कुछ लोग लिमिट भर रहते हैं कि सिर्फ कंटेंट तक, बाकी और ज्यादा बात करना इसके लिए सही नहीं है। तो बाकी गाइस आज के वीडियो यहीं तक रखता हूँ, एंड होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।